हाय दोस्त, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्त कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्त, क्या बात है कि जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दोस्त हम लोग को चलना है ऊपर में, जो हमारे यहाँ जो डिहवार बाबा हैं जो बता रहे थे ना पिछले वीडियो में कि हमको ऊपर चलना है। तो दोस्त, आज हम लोग को चलना है ऊपर में और वहाँ पे कुछ फनी फनी डायलॉग होगा, फनी फनी बात होगा और पुराने जमाने का जो भी हमारे कथा कहानी होगा जो लोग यहाँ पे किए होंगे वो सारा चीज आज इस वीडियो में बताएंगे। और पहला चीज दिखाने वाले हैं दोस्त कि कितना ऊंचाई पर है और वहाँ चलेंगे तो क्या चीज का मूर्ति है और मूर्ति दिखाएंगे आपको, जो आपको बताया था ना पहले वीडियो में कि बहुत ऊंचा पर है। तो आज हमारे साथ देखिए रमेश भैया भी हैं और रमेश भैया भी चलेंगे। देखिए ऊपर में चलना है हम लोग के, वहाँ पे क्या है कि संतोषी माई के ना है, संतोषी माई का है। तो वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे क्या है कि अपना कुछ अच्छा अच्छा चीज मैंने देखने के लिए मिलेगा। और सीढ़ी कितना बार मिलता है? अभी नहीं, लगभग में ज्यादा ही है, तब नहीं बता सकते। अच्छा, सीढ़ी मैंने पता नहीं, चलने के बाद पता चल जाएगा। तो दोस्त क्या है कि ऊपर में हम लोग के गाँव का डिहवार बाबा है, दिखा सकते हैं आपको वीडियो में। देखिए जो नेटवर्क है ऊपर में हम चल रहे हैं, चल करके आपको दिखाते हैं। तो आपको वीडियो में जरूर आज की वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया अच्छा खासा दम पनी पनी डायलॉग और पनी पनी बात होगा। चलते हैं दोस्त, मिलते हैं ऊपर में चढ़ गए हैं और दिखाते हैं यहाँ का जो भी नज़ारा है। और हम लोग क्या किए कि बाइकें से चढ़ गए, देख सकते हैं कि बाइक लेकर के ऊपर उतरे। कुछ रास्ता ऐसा है कि रास्ता यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, इसी वजह से आज हम लोग चढ़ गए हैं। और चारों तरफ आपको दिखाते हैं कि कितना ऊंचाई पर है और उस पर हमको चलना है। देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे कितना ऊंचा पे हम लोग हैं। और इधर आ जाइए रमेश जी, आपको रूम है यहाँ, देखिए इधर में है, देखिए इधर में कुछ पहाड़ है और पहाड़ है, देखिए पहाड़ से भी ऊपर में भी हम हैं और कुछ और ऊपर भी चलते हैं। दिखाते हैं इधर से नज़ारा कि अभी जो हम लोग जिस जगह पे हम लोग खड़ा है यहाँ पे बाइक आ जाता है, ऐसे में छोटा छोटा करके बनाया गया है, जब यहाँ पे छोटा मोटा एक मूर्ति है। और ये देखिए आपको सीढ़ी यहाँ पे सामने में, और सीढ़ी हमारे तो लगता है कि कितना है हमको पता नहीं है, चलते हैं तो हम दिखाते हैं आपको वीडियो में, तो जरूर हमें रहना पड़ेगा दोस्त। और चलते हैं आगे एक मिनट और आगे। तो दोस्त आप देख सकते हैं कि हम लोग ऊपर में चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या है दोस्त, यहाँ से देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी से धीरे धीरे हम लोग चढ़ते हैं ऊपर में और दिखाते हैं यहाँ का जो भी हमारे नज़ारा है। और एक चीज़ और हम बताने वाले हैं दोस्त इसमें कि यहाँ पे क्या था कि आज से कुछ साल पहले कि यहाँ पे एक शादी भी हुआ था, यहाँ पे शादी भी हुआ था और कुछ लोग यहाँ पे गांव के जो जमा हुए थे और वो लव मैरिज शादी हुआ था मेरे भैया, जिसका वो शायद पता नहीं चंद्रवंशी कास्ट में था वो, और वो लव मैरिज शादी हुआ था, यहीं की लड़की थी और यहीं का लड़का भी था। तो दोस्त यहाँ पे शादी भी होता है, संतोषी माई का मंदिर भी है पीछे में। और चलते हैं ऊपर हम दिखाते हैं आपको क्या चीज़ का मंदिर है और बहुत बहुत ऊँचा पर ये हमारे गांव का डिहवार है। और दोस्त पुराने ज़माने के जो भी हमारे लोग थे और यहाँ पे क्या था कि आज भी हमारे यहाँ खसी तसी का जो बलि होता है यहाँ पे चढ़ता है और लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं, ठीक है, जिसका माना भका हुआ होगा वो सारे लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं। और एक चीज़ और फैमिली में बताना चाहते हैं कि दोस्त क्या है कि पहाड़ पे जो भी हमारे दीवार पर होते हैं गांव के वो बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उनको पूरा गांव देखता रहता है। और एक चीज़ और बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो क्या है अभी दिखा सकते हैं कि कितना पर भी हम लोग पहुँचे हुए हैं और कितना ऊपर भी हम लोग को चलना है। तो देख सकते हैं ये कितना पर पहुँचे हुए हैं और आगे कैमरा में करके आपको दिखाते हैं कितना भी हम ऊँचा पर। फाइनली दोस्त आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग का बाइक नीचे में लगा हुआ है और कितना भी हम लोग ऊपर में हैं। और ये देखिए चारों तरफ से आपको पहाड़े पहाड़ नज़र आएगा और वहाँ देखिए पानी का टंकी है। और ऊपर में हम लोग चलते हैं, ऊपर में और कुछ दिखाते हैं आपको। तो फाइनली दोस्त अब हम लोग चलते हैं ऊपर में। रमेश भैया और किसी का शादी यहाँ पे हुआ था? शादी तो ऐसे हर बार होते ही रहता है। अच्छा, तो दोस्त क्या है कि यहाँ पे देखिए मधुमक्खी भी है, इसी को हम लोग देवता मानते हैं, मधुमक्खी जो है ना यहाँ के वही हमारे हमारे देवता है, गांव के दीवार हैं। और यहाँ पे क्या है दोस्त कि अथी शिवरात्रि मेला जो होता है 14 जनवरी को, वो यहाँ पे बहुत बड़ा धाकड़ तरीका से लगता है और बहुत सारे यहाँ पे भीड़ भड़ाका मिलेगा। और क्या है कि उसके अलावा यहाँ पे सारे दुकान दौरी जो भी होता है सारा चीज़ यहाँ पे लगता है। और 14 जनवरी और 1 जनवरी यही ना है रमेश भैया, दो चीज़ यहाँ पे मैंने बहुत विशाल मैंने यहाँ पे लगता है और बहुत कर्कश मैंने भीड़ यहाँ पे लगता है।
तो दोस्त देख सकते हैं कि बहुत कठिनाई होता है यहाँ से चढ़ने में। सीढ़ी ऐसे क्या है कि बहुत पुराना हो गया, सीढ़ी टूट भी चुका है, तो हम लोग धीरे धीरे करके चढ़ रहे हैं। तो रमेश भैया, यहाँ के बारे में कुछ आपको और कुछ जानकारी हो तो बता सकते हैं, बताइए मेरे को। ऐसे तो यही शिवरात्रि की पूजा होता है, मेला भी लगता है जी, और किसी का शादी भी होता है। हाँ, और ऐसे भी गाँव के दीवार हैं जी, यही सब होते रहता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच गए हैं और आगे में चलते हैं। आगे में चल करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमारे गांव का क्या बोलबाला है, दीवार है जो आपको नीचे से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे नेटवर्क है। और यहाँ पे देखिए जो नेटवर्क है, एक नेटवर्क के जो काम क्या है रमेश, इसका रेलवे का ना, रेलवे का अपना हॉकी टॉकी से चलता है, जितना भी है हॉकी टॉकी रेलवे का, रेलवे डिपार्टमेंट का, वो सारा चीज़ यहीं से चलता है, यही नेटवर्क से चलता है। और चलते हैं आगे में, आगे और कुछ दिखाते हैं आपको। तो रमेश भैया, यहाँ के बारे में कुछ जानकारी होगा आपको तो? हाँ, इधर में अभी जो आप रेलवे के हॉकी टॉकी जो नेटवर्क बताएं जी, ये तो हुई है। और इधर में जो संतोषी माता के बोले थे दिखाने के लिए, हाँ बस वहीं पर हम लोग पहुँच रहे हैं आप। अच्छा, जो पिछले भी जो हम लोग बताए थे कि यहाँ पर संतोषी माता का मंदिर है। अच्छा, तो संतोषी माता के मंदिर के पास अभी हम लोग चलते हैं आगे। अभी तो अभी बहुत चलना बाकी है, अभी बहुत ऊपर है ना ये। हाँ, बहुत पूरा पैर दर्द करने लगा। नहीं तो यहाँ तो चढ़ने में तो कठिन होता है, क्योंकि जो भी हम लोग संतोषी माता को देखा होते हैं कि अपने जंगली क्षेत्र में भी पर्वत देते हैं। अच्छा, जब वो ये हैं तो हम लोग। अच्छा रमेश, जब शादी है कितना लोग हुआ होगा आपको पता है? नहीं, ये सब नहीं पता है। अच्छा, आप शादी यहाँ पे कीजिएगा, समय के अनुसार हो भी सकता है, नहीं हो सकता, हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है। देख लीजिए रमेश भैया क्या कह रहे हैं कि हमको शादी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी हम संतोषी माँ के मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और हम लोग चप्पल को खोल देते हैं, क्योंकि खोलना उचित चीज़ है ना। तो संतोषी माँ का मंदिर को थोड़ा सा भी हम लोग जो भी होगा यहाँ पे पर प्रणाम कर लेते हैं। जय हो संतोषी माई, वापस हम कभी आई नहीं थी, बाकी आ जाएगी नहीं, बहुत दिन हो गया कल मैंने हमारा। देख सकते हैं संतोषी माँ का मंदिर है सबसे पहाड़ पे, पहाड़ पे सबसे माने गांव के हमारे डिहवार हैं, गांव के डिहवार के पास अभी हम पहुँचे हुए हैं। और इधर में आपको हम दिखाते हैं और कुछ इस वीडियो में नज़ारा, कि ये देखिए हमारे कुछ गांव का जो नज़ारा है, ये देखिए ये मेरा गांव का नज़ारा है। इधर में गांव आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, घर है सामने में, है ना रमेश भैया? हाँ, वो का दिख रहा है इधर से सामने में आपको घर दिखाई दे रहा होगा। हाँ। और आगे चलते हैं, आगे चल करके आपको दिखाते हैं, इधर से दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है हॉकी टॉकी जो हमारे रेलवे डिपार्टमेंट का जो भी हमारे यहाँ पे, ये बहुत पुराना है रमेश भैया नहीं? हाँ, बहुत नहीं पुराना हुआ है तो। अभी इसमें काम जारी है, चालू है? हाँ, एक तो चालू। देखिए एक चीज और दिखाते हैं आपको, मधुमक्खी का जो जाल है बहुत तेजी से यहाँ पे लगता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है और न कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे भगवान वही है, क्योंकि वो सब सही है तो सब कुछ सही है। तो आगे में देखिए यही है मेरा रेलवे डिपार्टमेंट का जो क्या होता है कि अपना जो हॉकी टॉकी चलता है, पूरे रेल विभाग चलता है, वही यहाँ से यहीं से चलता है। यहाँ पे कुछ लोग अंदर में बैठे होंगे, क्योंकि बहुत पुराना है और पता नहीं लोग कैसे कैसे करके सब लाते जाते हैं, हमको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और आगे में विशेष और कुछ रमेश भैया इसके बारे में कुछ बताना चाहते थे बता सकते हैं? अब इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, जो था हम तो बता दी वीडियो। अच्छा, तो वीडियो के यहाँ पेंट किया जाए? हाँ। तो दोस्त आज आप लोग ने देखे लिया, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक से जय हो संतोषी माँ।